ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं।
प्यारे बच्चों, उषा आंटी का तुम्हें बहुत बहुत प्यार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सच्चाई का पाठ। एक सेठ दान पुण्य के लिए हर रोज भंडारे का आयोजन करता था। सेठ का अनाज का व्यापार था। हर साल अनाज के गोदामों की सफाई होती थी। उस समय घुन लगे बेकार गेहूं को इकट्ठा करके सेठ उसे पिसवाता और उसी आटे का भंडारा साल भर चलाता था। लेकिन इसकी जानकारी किसी को न थी। सेठ का एक बेटा था, उसकी शादी हुई। सेठ के घर काफी समझदार बहू आई। जब बहू को पता चला कि उसके ससुर सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियां गरीबों को खिलाते हैं, तो उसे बहुत दुख पहुंचा। एक दिन जब सेठ भोजन करने बैठा, तो बहू ने उसकी थाली में उसी आटे की रोटियां परोस दी। सेठ ने समझा कि बहू ने कोई नया पकवान बनाया है, लेकिन जैसे ही मुंह में पहला कौर डाला, हिचकी आने लगी। उसने उस कौर को थूक दिया और बहू से बोला, यह आटा कहाँ से आया? क्या घर में और आटा नहीं था? बहू विनम्रता से बोली, आटा तो बहुत है बाबूजी, लेकिन मैंने सोचा कि आपके भंडारे में जिस आटे की रोटी बनती है उसी से घर में भी बनाई जाए। इस पर सेठ ने कहा, लेकिन बहू, वह आटा तो गरीबों के खाने के लिए होता है। बहू बोली, पिताजी, मुझे बताया गया है कि परलोक में भी प्राणी को वही खाना मिलता है जो वह गरीबों को खिलाता है। इसलिए सोचा कि क्यों ना अभी से आपको उसी रोटी की आदत डलवाई जाए। सेठ लज्जित हो गया। उसने उसी दिन सारा बेकार आटा पशुओं को खिला दिया और गरीबों के खाने के लिए अच्छे गेहूं निकलवाए। अच्छा बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें लिख भेजें। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। खुशी उसकी बंदगी ही है।
बस वो ही है, हाँ वो ही है हमारा खुदा। प्रिय रेडियो मित्रों,
प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम दानिय्येल 7:2-8 पद देखेंगे। दानिय्येल ने यह कहा कि मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी पयार चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसकी उकाओं के से पंख थे। देखते देखते उसके पंखों के पर नोच आए और भूमि पर से उठकर मनुष्य की नाय पांव के बल खड़ा किया गया। उसको मनुष्य का हृदय दिया गया मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ भालू के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था। उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसली थी और लोग उससे कह रहे थे कि उठ कर बहुत मांस खा। इसके पीछे मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान और एक जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं। उस जंतु के 4 सिर हैं और उसको अधिकार दिया गया है। फिर उसके पीछे मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि चौथा एक जंतु भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ्य है और उसके लोहे के बड़े दांत है। ये सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है और वो पहले सब जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सिंह है। मैंने उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा सा सिंह निकला और इसके बल से उसने पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने क्या देखा कि उस सिंह में मनुष्य की सी आंखें, बड़ा बोल बोलने वाला हारा मुंह भी है। यहां वे है जिनका आरंभ दानिय्येल के समय से होना है। मेरे मित्रों, सी जो है वो बेबीलोन कहलाता है, भालू मादी फालस, चीता यूनान, भयंकर डरावना जंतु रोम पशु, और इन 4 जंतुओं में समानताएं हैं। इसे ध्यान से सुनिए, इन चार जंतुओं और रोम पशु के बीच समानताएं हैं। तो आइए हम उन्हें ध्यान से देखें। बेबीलोन बाबेल जो पंखदार सिंह को प्रकट करता है जिसने दानिय्येल के समय उसके जीवित रहते विश्व पर शासन किया। प्राचीन बाबेल के खंडहरों में आज भी 2 पंख की मूर्तियां देखी जा सकती है। सिंह बाबेल का सही प्रतीक है। प्राचीन राज्यों में यही सबसे बड़ा राज था। इसके 2 पंख ये दिखलाते हैं कि इस स्वर्ण राज ने कितनी तेजी से उस समय के सब जगत को जीत लिया था। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय का पशु कैसे बाबेल के पुत्र का पोता निम्रोद के द्वारा मसीह से 2000 वर्ष से भी अधिक पहले बसाया गया था। उत्पत्ति के 13वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। वह विश्व का आश्चर्यपूर्ण नगर था। बाबेल का राजा देवता जैसे पूजा का दावा करते थे। मनुष्य जब मनुष्यों से प्रशंसा की आशा करे, ये भारी बातें तो हैं, लेकिन मनुष्य जब अन्य मनुष्यों से पूजा की मांग करता है तो यह निश्चय ही निंदनीय है। ये पशु बाबेल
का नेता इसी प्रकार पूजा की मांग करता है। अब आप आगे के राज के बारे में ध्यान से सुनिए। उस भयंकर रात को जब बाबेल का राजा बेलशस्सर दाखरस पीकर मदहोश हो अपने हजार अफसरों के लिए जीवनार दिया और ईश्वर के मंदिर के कटोरे मंगवाकर बिखेर दिए, तो उसी रात को मादी फालस का राजा नगर पर आक्रमण कर उसे ले लिया। उसके लिए यही अंतिम रात थी जब उसके राजभवन के भीतर एक हाथ ने उसके विनाश का संदेश लिख दिया, तो भय से कांपते हुए उसके घुटने आपस में टकराने लगे। उस भयानक रात का वर्णन दानियल उसका पांचवा अध्याय में यूं लिखा है, हे बेलशस्सर नामक राजा ने अपने हजारों प्रधानों के लिए बड़ी झेवनार की और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया जो सोने के पात्र यरूशलम में परमेश्वर के मंदिर में से निकाले गए थे। सो लोग सो लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों समेत उनसे पीने लगे। उसी घड़ी मनुष्य का हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजभवन के भीतर कुछ लिखने लगी। हाथ का जो भाग लिख रहा था सो राजा को दिख पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, घबरा गया। कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। उस रक्तहीन हाथ को देखते ही राजा की बोलती बंद हो गई। उसने ज्योतिषियों कस्तियों तथा तांत्रिक को बुलाया, परंतु वे सहायता ना दे सके। प्रिय रेडियो मित्रों, आज बहुत से लोग ज्योतिषियों तांत्रिकों के पास जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास जाने से उनका समाधान हो जाएगा। आज आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं किस प्रकार से ये लोग हमारे देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, लूट रहे हैं। इस कारण कितने लोग का बलि पर चढ़ना पड़ रहा है। वे सपना देखते हैं कि अपने बेटे को मार दो, अपनी बेटियों को मार दो, तो तुम्हें मुफ्त धन मिलेगा। मेरे मित्रों, क्या आप इसके शिकार हैं? आप जानते हैं कि आज बहुत से लोग हैं जो ये कामना करते हैं कि उनकी पूजा की जाए, उनके सेवा की जाए। और हमने जो ये वर्णन किया, जिस पशु का रोम का हमने वर्णन किया, वो चाहता है उसकी पूजा की जाए, उसकी सेवा की जाए और उसे पापा करकर पुकारा जाए। जो कि बाइबल कहती है कि तेरा पिता जो स्वर्ग में है वही तेरा पिता है। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। मेरे मित्रों, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमें पत्र लिखना चाहते हैं, तो हमें लिखे, हम आपकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तेरे इस महान वचन के लिए प्रभु जी। ये छिपे हुए रहस्य जो बाइबल में लिखे हैं, वो खुदावन हम आज इस रहस्यों को तेरे इस महान कार्यक्रम के माध्यम से उन अनजान लोगों को पेश करना चाहते खुदावन जिन्हें सत्य का पता नहीं है। उन्हें सत्य का ज्ञान दे खुदावन बाप, ताकि वो पशु को पहचान सके जो आज पूरे संसार में को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। खुदावन हर एक कलीसिया आज उसके पीछे है प्रभु, और वो तेरे आज्ञाओं को तोड़ना चाहती है खुदावन जो तेरे कलाम में है। शैतान नहीं चाहता कि हम तेरे उन 10 आज्ञाओं को पालन करें। हम चाहते खुदावन हमारे सुनने वाले श्रोताओं को ज्ञान और बुद्धि दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और महान और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morris morrisawr
radio@gmail.com। आप हमें अपने आईपॉड कंप्यूटर में भी हमारे कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हमारा वेबसाइट है AWR Hindi Asia। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।